वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के अंतर्गत मुरादाबाद में भी शिल्प एवं लघु उद्योगों को परवान चढ़ाने के लिए तेजी से कार्यों को किया जा रहा है और मुरादाबाद के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने पर मुरादाबाद के हस्तशिल्पियों को लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पारंपरिक शिल्प और लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए और उसमें अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने के उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना एक प्रोडक्ट चुना गया। जिले की पहचान से जुड़े प्रोडक्ट को बुलंदी प्रदान करने के लिए उद्योगों और इससे जुड़े व्यापार को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME की श्रेणी में रखा गया। अगर हम बात मुरादाबाद की करें तो मुरादाबाद में भी ODOP योजना के तहत महिलाओं को व पुरुषों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण इन दिनों दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वे हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी बारीकियां सीख रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र के मैनेजर रविंद्र कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत प्रत्येक जनपद का जो महत्वपूर्ण उत्पाद है उसको प्रशिक्षण में सम्मिलित किया गया है, जिसमें मुरादाबाद धातु शिल्प में है और मुरादाबाद में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। जिला उद्योग केंद्र कारुणी के द्वारा अलग अलग शहरों में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है, जिसमें मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर को मेटल हैंडीक्राफ्ट में प्रशिक्षण देने के लिए जो उन्होंने अपना नाम दिया है वह धातु शिल्प दिया है। मेटल हैंडीक्राफ्ट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह प्रशिक्षण 10 दिन तक चलेगा। इस 10 दिन के प्रशिक्षण में जो हैंडीक्राफ्ट का प्रोसेस है उसके विषय में बताएंगे। आज हमने 75 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण आरंभ किया है और 25-25 के बैच के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 100 लोगों को अभी प्रशिक्षण देना आरंभ कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से 10 दिन का इन्हें 2000 रुपए का मानदेय के रूप में बैलेंस उनके खाते में भेजा जाएगा। उसके बाद इन्हें एक टूल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ये अपना एक छोटा सा रोजगार शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे इनका रोजगार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका मुनाफा होता जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो महत्वपूर्ण आइटम है, जो महत्वपूर्ण उत्पाद है, उसको प्रशिक्षण में सम्मिलित किया गया है, जिसमें मुरादाबाद जो है मुरादाबाद धातु शिल्प में, क्योंकि मुरादाबाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है, तो मुरादाबाद में धातु शिल्प को इसमें रखा गया है प्रशिक्षण के दौरान। तो जिसमें उत्तर प्रदेश का जो जिला उद्योग केंद्र है, मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज या कमिश्नर इंडस्ट्रीज महोदय के जो कार्यालय है, उस कार्यालय के द्वारा अलग अलग शहरों में जो प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट है उनको प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है, जिसमें मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर को धातु हस्तशिल्प में प्रशिक्षण देने के लिए जो उन्होंने जो अपना ट्रेड अपना नाम दिया है वो धातु शिल्प दिया है, तो धातु शिल्प में प्रशिक्षण देने के लिए हमें चयनित किया गया है। मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर मुरादाबाद ही नहीं, मुरादाबाद के साथ साथ में मिर्जापुर में भी हस्तशिल्प में ये प्रशिक्षण आरंभ किया है, आरंभ करने जा रहा है, क्योंकि मिर्जापुर में अभी हम आरंभ करने जा रहे हैं। मुरादाबाद में आज CDO महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें श्री योगेश जी जो JDC हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे, उनकी उपस्थिति में प्रशिक्षण को आरंभ किया गया। ये 10 दिन का प्रशिक्षण है, इस 10 दिन के प्रशिक्षण में हम इन सभी को हैंडीक्राफ्ट की जो प्रोसेस है उसके विषय में बताएंगे। कितने लोग हैं सर इसमें शामिल? ये देखिए 25-25 का बैच है, आज हमने 75 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण आरंभ किया है, कल और एक बैच हम आरंभ करेंगे, तो ऐसे करके 100 लोगों को हम ये प्रशिक्षण अभी एकदम आरंभ कर रहे हैं। तो और क्या फ्री है या इसका कोई कॉस्ट वगैरह? देखिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और सभी प्रशिक्षणार्थियों को DIC कार्यालय के द्वारा 10 दिन का एक मानदेय के रूप में 2000 रुपए भी इनके खाते में भेजा जाएगा। और इस प्रशिक्षण के बाद जब हम इनको ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण दे देंगे, इस प्रशिक्षण के बाद में इनको एक टूल किट वितरण भी किया जाएगा, एक अच्छी टूल किट दी जाएगी। इस टूल किट के बाद में ये अपना छोटा सा कारोबार आरंभ कर सकते हैं और जैसे जैसे इनका कारोबार बढ़ता जाए ये अपने रिसोर्सेस को बढ़ा सकते हैं।